दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को कार से घसीटे जाने का मामला सामने आया है। जी हां, अभी कंझावला मामला खत्म भी नहीं हुआ, एक और ऐसा मामला सामने आया और साथ ही साथ कोई और नहीं, ये मामला दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये घटना सुबह 3:11 की है। एम्स के गेट नंबर 2 के सामने कार चालक ने स्वाति मालीवाल से उसकी गाड़ी में बैठने को कहा। जी हां, मालीवाल जब उसे फटकार लगा रही थी तभी कार चालक ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया, इससे स्वाति मालीवाल का हाथ गाड़ी में फंसा रह गया। इसके बाद कार चालक ने उन्हें करीब 10 से 15 मीटर तक घसीटा। बता दें, पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे के हालात में था, उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। आरोपी और पीड़िता की मेडिकल जांच भी हो गई है। घटना ये जब हुई जब स्वाति मालीवाल फुटपाथ पर अपनी पूरी टीम के साथ खड़ी हुई थी। आगे आपको बता दें कि मामले पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी आया है और बता दें कि उन्होंने भी इस बात की कड़ी निंदा की है। स्वाति मालीवाल लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध और महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर काफी आवाज उठाती हुई नजर आती है। कोई भी मामला सामने आने पर संबंधित विभाग को उनके कार्यालय के बगैर देरी नोटिस भेजती है। हाल ही में क्रिकेटर की बेटियों को लेकर सोशल मीडिया पर आई आपत्तिजनक टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए भी स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। कंझावला मामले में भी स्वाति मालीवाल काफी एक्टिव नजर आई थी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे punjabkesari.com।